6 months left of the big 2024 poll battle. Politics has erupted over the Citizenship Amendment Act issue. West Bengal Chief Minister Mamata Banerjee came down heavily on the BJP. Slamming the BJP, Mamata said that BJP was using CAA for political gains. She also said that you shouldn't be falling for BJP's trap or they will implement the NRC. Remember this after Shantanu said that BJP leader said that not only in Bengal, but the Citizenship Amendment Act will be implemented across India within a week by the BJP government. He went on to add that this was his guarantee which he was giving from the stage. Minister Giriraj Singh is also back Shantanu, saying that CAA is the country's demand and CAA is going to be implemented in Bengal. ভারতবর্ষে সিএ লাগু হবে এই গ্যারান্টি আমরা আজকেই মঞ্চ থেকে দিয়ে গেলাম। আগামী এক সপ্তাহের মধ্যে ভারতবর্ষ পশ্চিমবঙ্গ সহ ভারতবর্ষের প্রত্যেকটা স্টেটে সিএ লাগু হবে এবং সেটা আপনারা দেখবেন। আজকে সেই গ্যারান্টি এই মঞ্চ থেকে দিয়ে যাচ্ছি। এই সব ইলেকশন জেসে জেসে নির্বাচন আতে वो निर्वाचन के पहले ये लोग सोचते हैं लोगों को गुमराह करें। साफ शब्दों में हम लोग ने कहा, हमारे राज्य के मुख्यमंत्री ने कहा, सीए बंगाल में लागू नहीं होगी और बंगाल में होने की जरूरत भी नहीं है। यहाँ के लोग सिटीजन्स हैं, नागरिक हैं, भारतवर्ष के नागरिक हैं और अभी कहते हैं कि इन लोग का नाम होना चाहिए सिटीजनशिप में। जब वोट ले रहे थे तब आपको ख्याल लिया के शांतनु ठाकुर जी ने जो बोला है कोई गलत नहीं बोला है। ये देश की मांग है नागरिकता कानून। ये कानून बंगाल में टीएमसी के कलेजा पर चढ़ करके लागू किया जाएगा और वही नहीं, अब तो देश की जरूरत है एनआरसी, जिसे कहते हैं नागरिकता कानून। मुझे लगता है कि हमारी सरकार उसमें बहुत आगे बढ़कर काम करी है। उनका मौलिक अधिकार है, संवैधानिक अधिकार है, उनको यहाँ पे नागरिकता मिलनी चाहिए। लेकिन अनेकों अनेक दल अपने माइनॉरिटी तुष्टिकरण के कारण अपने आप को उनके वोट लेने हैं, इसलिए हिंदुओं पे आक्रमण करना, अत्याचार करना वो प्राथमिकता दिखाते हैं। उनको लगता है कि ऐसे नेगेटिव भावना से ही उनको वोट मिल पाते हैं, इस कारण से वो इनका पतन भी करते हैं, इनके विरुद्ध भी बोलते हैं, अत्याचार भी करते हैं। लेकिन मुझे लगता है आज देश जागरूक हो गया है और देश की समस्त नागरिक और सभी पार्टियाँ भी चाहना चाहिए उनको कि जो जिनको नागरिकता, जिनको जो लोग पाकिस्तान चले गए थे या बांग्लादेश चले गए थे उस समय पर, उनको सबको नागरिकता मिलनी चाहिए और सीए लागू होगा। 4 साल हो गए हैं, कानून बना, पारित हुआ लोकसभा में, राज्यसभा में। 9 बार सरकार ने एक्सटेंशन मांगी क्योंकि उस अधिनियम के लिए जो रूल्स बनने हैं वो बने नहीं थे। अधिनियम तो पारित हो गया है, अधिनियम तो है, सीएए तो हकीकत है। तो ये फिर से मैं कहूँगा, ये सिर्फ चुनावी नजरिए से ये ऐसी बातें की जा रही हैं। अगर वो गंभीरता से लेते तो 4 साल पहले बनाया हुआ कानून 4 साल के बाद भी रूल अभी तक फाइनलाइज नहीं हुए हैं।